सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज की विजिट है भाई सुनारिया गांव के अंदर। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर जो जोड़ के ऊपर है, वहां से लेकर आ रहे हैं आप सभी भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छे नंदी की वीडियो। ये देखिए शुद्ध हरियाणा नस्ल का ये नंदी है। इसका हम्प का साइज़ देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हम्प है। फेस देखिए इनका, बहुत अच्छा नंदी है, फुल बॉडी वेट का नंदी है। जहाँ बात करें टेस्टिकल की, टेस्टिकल का साइज़ देखिए, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और अभी मैं आपको पीठ पुठा दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे पीठ पुठे का नंदी है, बहुत अच्छा पुठे का साइज है। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और उम्मीद करते हैं इस बुल के प्रोजनी भी बहुत अच्छी आएंगी। और किसी भी भाई के पास अगर इस बुल की प्रोजनी है तो वो हमसे ज़रूर फ़ोन करे कि भाई मेरे पास इस बुल की फीमेल काफ है या मेल काफ है, जो भी है एक बार हमें ज़रूर बताए। बहुत अच्छा बुल है और बहुत ही शांत बुल है। मैं इसके लिए नया हूँ, ये देखिए। फिर भी ये बुल को यूँ नहीं है कि भाई ये कोई नया बंदा है, बिल्कुल शांत, बहुत ही शांत नंदी। ये सुनारिया गांव की पंचायत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो ऐसा नंदी, इन्होंने इतना अच्छा नंदी तैयार कर रखा है। और तैयार करने के साथ साथ नंदी के लिए और गाय के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, टीन सेड की, बहुत अच्छा टीन का सेड लगवा रखा है भाई वहाँ पे, ये रहता है। देखिए चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है नंदी महाराज। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ताकि सभी दोस्तों को नस्ल की शुद्धता के बारे में पता चल जाए कि ये बहुत 100% शुद्ध नंदी है हरियाणा नस्ल का, ताकि सभी भाई इस बुल का फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर, इसके पास में ही जोड़ पे ही ये नंदी रहता है। सभी गोपालकों से नम्र निवेदन है कि इस बुल से अपनी गायें माता को गाभिन करवाएं और अच्छे रिजल्ट लें। ये 100% हरियाणा नस्ल का शुद्ध नंदी है। सभी गोपालकों ने जोड़ के ऊपर गायें माता छोड़ रखी हैं घूमने के लिए। और गांव में पहले ये इस तरह के बनाए जाते थे ताकि लोग जोड़ के ऊपर अपने कपड़े या नहाने के लिए होते थे ये इस तरह के। इनका नाम पता नहीं पहले इनको क्या बोलते थे, अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सुनारिया गांव का जोड़ के ऊपर बहुत ही पुराना कुआं है, पजावड़ी ईंटों से बनाया गया है, छोटी ईंटों को पजावड़ी ईंट बोलते हैं। ये जोड़ का नज़ारा देखिए भाई साहब, ये मंदिर है सुनारिया कला गांव के अंदर, बहुत अच्छा मंदिर है भाई, बहुत अच्छा मंदिर है। सभी भाई बताएं वीडियो कैसी लगी। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वीडियो को ज़्यादा शेयर अवश्य करें। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुल के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं बुल कैसा लगा आपको। और किसी भाई के पास इसकी कोई प्रोजनी है तो वो भी हमें फ़ोन कॉल से ज़रूर बताएं। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज की विजिट है भाई सुनारिया गांव के अंदर। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर जो जोड़ के ऊपर है, वहां से लेकर आ रहे हैं आप सभी भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छे नंदी की वीडियो। ये देखिए शुद्ध हरियाणा नस्ल का ये नंदी है। इसका हम्प का साइज़ देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हम्प है। फेस देखिए इनका, बहुत अच्छा नंदी है, फुल बॉडी वेट का नंदी है। जहाँ बात करें टेस्टिकल की, टेस्टिकल का साइज़ देखिए, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और अभी मैं आपको पीठ पुठा दिखाने वाला हूँ,
बहुत ही अच्छे पीठ पुट्ठे का नंदी है, बहुत अच्छा पुट्ठे का साइज है। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और उम्मीद करते हैं इस बुल के प्रोजनी भी बहुत अच्छी आएंगी। और किसी भी भाई के पास अगर इस बुल की प्रोजनी है तो वो हमसे ज़रूर फ़ोन करे कि भाई मेरे पास इस बुल की फीमेल काफ है या मेल काफ है, जो भी है एक बार हमें ज़रूर बताए। बहुत अच्छा बुल है और बहुत ही शांत बुल है। मैं इसके लिए नया हूँ, ये देखिए, फिर भी ये बुल को यूँ नहीं है कि भाई ये कोई नया बंदा है। बिल्कुल शांत, बहुत ही शांत नंदी। ये सुनारिया गांव की पंचायत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो ऐसा नंदी, इन्होंने इतना अच्छा नंदी तैयार कर रखा है। और तैयार करने के साथ साथ नंदी के लिए और गाय के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है टीन सेड की। बहुत अच्छा टीन का सेड लगवा रखा है भाई, वहाँ पे ये रहता है। देखिए चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है नंदी महाराज। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ताकि सभी दोस्तों को नस्ल की शुद्धता के बारे में पता चल जाए कि ये बहुत 100% शुद्ध नंदी है हरियाणा नस्ल का, ताकि सभी भाई इस बुल का फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर, इसके पास में ही जोड़ पे ही ये नंदी रहता है। सभी गोपालकों से नम्र निवेदन है कि इस बुल से अपनी गायें माता को गया बिन करवाएं और अच्छे रिजल्ट लें। ये 100% हरियाणा नस्ल का शुद्ध नंदी है। सभी गोपालकों ने जोड़ के ऊपर गायें माता छोड़ रखी हैं घूमने के लिए। और गांव में पहले ये इस तरह के बनाए जाते थे ताकि लोग जोड़ के ऊपर अपने कपड़े या नहाने के लिए होते थे ये इस तरह के। इनका नाम पता नहीं पहले इनको क्या बोलते थे, अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सुनारिया गांव का जोड़ के ऊपर बहुत ही पुराना कुआ है, पजावड़ी ईंटों से बनाया गया है। छोटी ईंटों को पजावड़ी ईंट बोलते हैं। ये जोड़ का नज़ारा देखिए भाई साहब, ये मंदिर है सुनारिया कला गांव के अंदर। बहुत अच्छा मंदिर है भाई, बहुत अच्छा मंदिर है। सभी भाई बताएं वीडियो कैसी लगी। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुल के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं बुल कैसा लगे आपको। और किसी भाई के पास इसकी कोई प्रोजनी है तो वो भी हमें फ़ोन कॉल से ज़रूर बताएं। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। आज की विजिट थी भाई गांव गंगानगर खरकड़ा गांव के पास में। बहुत ही अच्छी गौ माता है अंकल जी के पास, और हम अंकल जी के पास आए हुए हैं बुल को लेने के लिए। बहुत अच्छी गौ माता है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। अंकल जी एक बार आपका नाम और गांव का। अच्छा जी, दलसेर नाम। हाँ जी। गांव गंगानगर। गांव गंगानगर नियर खरकड़ा गांव मैम। हाँ। अच्छा, गौ माता कौन से लैक्टेशन में अंकल जी? तीसरी बार। अच्छा जी, तीसरी बार ब्याएगी, अभी सेकंड टाइमर ब्याई हुई है ना? तीसरी बार ब्यारी है। अच्छा, तीसरी बार ब्यारी है। और कितने पिक पे है अंकल जी, कितना दूध दे देती है पिक पे? 14-15 अच्छा, ढाई महीने ब्याई होली 13-14 दे दी थी। अच्छा, 13-14 लीटर दूध अभी भी है। शांत बहुत है अंकल जी। अच्छा जी, अभी जो ये बछड़ी है नीचे, ये कौन से बुल की है? बद्रीनाथ की, गोलू वाले बुल की, बद्रीनाथ। अच्छा जी, और अभी हम अंकल जी के पास आए हुए हैं जो इससे पहले वाले ब्यांत का बछड़ा है उसको लेने के लिए गौशाला में दिया है अंकल जी ने। महाराज जियों को, देव कृष्ण जी महाराज जी हैं मायना गांव के पास, गौ सेवा धाम के नाम से
इनकी गौशाला है, वहाँ पे ब्रीडिंग के लिए। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बछड़ा कैसा लगे आपको? बहुत सुंदर बछड़ा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी का कि गौ माता की सेवा में, वहाँ पर भी, यहाँ भी सेवा में और आगे भी सेवा में ये लगेगा, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं हम इसे ब्रीडिंग के लिए। हाँ, ब्रीडिंग के लिए अच्छी गौ माता, अच्छा नस्ल संवर्धन का कार्य हो जाएगा। बिल्कुल, ताकि समाज में जागरूकता आए गौ माता के प्रति। और वास्तविक सेवा यही है कि गौ माता की ब्रीडिंग, अच्छा नस्ल पैदा हो ताकि उसका सम्मान हो समाज में, क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि गौ माता लात मारती है, दो चार महीने दूध देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सेवा करें तो गौ माता जैसा धन तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा बछड़ा है महाराज जी। आगे अंकल जी, आपने गौशाला में दिया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँ, इस बार नू है ना पिटते खाम खाम के फायदा था, गौशाला में दे दें, गौशाला में आपने हम दे तो हम दाग लागे छोड़ना ही। हाँ बिल्कुल, छोड़ना आपने सेवा के लिए ही था। सेवा के लिए। ये देखिए भी बहुत अच्छा बछड़ा है, कितने साल का हो गया अंकल जी ये? जो हो गया एक साल दो महीने का हो गया भाई। और इसके फादर लाइन से? फादर लाइन गैपन ले आए थे गाने। अच्छा जी। हाँ, जमा पंचायती बुल तोड़ी दिया। अच्छा, पंचायती बुल से है। हाँ। कौन से गांव से लेके आए थे? निंदाणा। ये देखिए भाई, बहुत ही अच्छा बछड़ा है, बहुत अच्छा अंप है, और तकरीबन एक साल का है ये। हाँ, टेस्टिकल भी बहुत अच्छा है, एक बार खोलना अंकल जी। अंप का साइज भी बहुत अच्छा है, भी ये बच्चा है थोड़ा सा, इसलिए छोटा अंप लग रहा है। ये देखिए भाई, बहुत अच्छा बछड़ा है। ये गो सेवा धाम में जाएगा भाई, नस्ल संवर्धन के कार्य के लिए, नस्ल संवर्धन के कार्य में सेवा देगा बछड़ा। बहुत अच्छा बछड़ा है, अंकल जीओं का बहुत बार बार धन्यवाद, जो इन्होंने इतना अच्छा बछड़ा तैयार करके सेवा के लिए दिया है। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना अच्छा गौ माता के प्रति काम कर रहे हो, नस्ल संवर्धन पे काम कर रहे हो। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी भाई चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज की विजिट है भाई सुनारिया गांव के अंदर। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर जो जोड़ के ऊपर है, वहां से लेकर आ रहे हैं आप सभी भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छे नंदी की वीडियो। ये देखिए शुद्ध हरियाणा नस्ल का ये नंदी है, इसका हम्प का साइज देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हम्प है। फेस देखिए इनका, बहुत अच्छा नंदी है, फुल बॉडी वेट का नंदी है। जहाँ बात करें टेस्टिकल की, टेस्टिकल का साइज़ देखिए, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और अभी मैं आपको पीठ पुठा दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे पीठ पुठे का नंदी है, बहुत अच्छा पुठे का साइज है। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और उम्मीद करते हैं इस बुल के प्रोजनी भी बहुत अच्छी आएंगी, और किसी भी भाई के पास अगर इस बुल की प्रोजनी है तो वो हमसे ज़रूर फ़ोन करे कि भाई मेरे पास इस बुल की फीमेल काफ है या मेल काफ है, जो भी है एक बार हमें ज़रूर बताए। बहुत अच्छा बुल है और बहुत ही शांत बुल है, मैं इसके लिए नया हूँ। ये देखिए फिर भी ये बुल को यूँ नहीं है कि भाई ये कोई नया बंदा है, बिल्कुल शांत, बहुत ही शांत नंदी। ये सुनारिया गांव की पंचायत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो ऐसा नंदी, इन्होंने इतना अच्छा नंदी तैयार कर रखा है। और तैयार करने के साथ साथ नंदी के लिए और गाय के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, टीन सेड की, बहुत अच्छा टीन का सेड लगवा रखा है भाई वहाँ पे, ये रहता है। देखिए चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है नंदी महाराज।
वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ताकि सभी दोस्तों को नस्ल की शुद्धता के बारे में पता चल जाए कि ये बहुत 100% शुद्ध नंदी है हरियाणा नस्ल का, ताकि सभी भाई इस बुल का फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर, इसके पास में ही जोड़ पे ही ये नंदी रहता है। सभी गोपालकों से नम्र निवेदन है कि इस बुल से अपनी गायें माता को गया बिन करवाएं और अच्छे रिजल्ट लें। ये 100% हरियाणा नस्ल का शुद्ध नंदी है। सभी गोपालकों ने जोड़ के ऊपर गायें माता छोड़ रखी हैं घूमने के लिए। और गांव में पहले ये इस तरह के बनाए जाते थे ताकि लोग जोड़ के ऊपर अपने कपड़े या नहाने के लिए होते थे ये इस तरह के। इनका नाम पता नहीं पहले इनको क्या बोलते थे, अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सुनारिया गांव का जोड़ के ऊपर बहुत ही पुराना कुआ है, पजावड़ी ईंटों से बनाया गया है, छोटी ईंटों को पजावड़ी ईंट बोलते हैं। ये जोड़ का नज़ारा देखिए भाई साहब, ये मंदिर है सुनारिया कला गांव के अंदर, बहुत अच्छा मंदिर है भाई, बहुत अच्छा मंदिर है। सभी भाई बताएं वीडियो कैसी लगी, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुल के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं बुल कैसा लगे आपको, और किसी भाई के पास इसकी कोई प्रोजनी है तो वो भी हमें फ़ोन कॉल से ज़रूर बताएं। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। आज की विजिट थी भाई गांव गंगानगर खरकड़ा गांव के पास में, बहुत ही अच्छी गौ माता है अंकल जी के पास, और हम अंकल जी के पास आए हुए हैं बुल को लेने के लिए। बहुत अच्छी गौ माता है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। अंकल जी एक बार आपका नाम और गांव का। अच्छा जी, दलसेर नाम। हाँ जी। गांव गंगानगर। गांव गंगानगर नियर खरकड़ा गांव मैम। हाँ। अच्छा, गौ माता कौन से लैक्टेशन में अंकल जी? तीसरी बार। अच्छा जी, तीसरी बार ब्याहेगी, अभी सेकंड टाइमर ब्याही हुई है ना? तीसरी बार ब्याही है। अच्छा, तीसरी बार ब्याही है। और कितने पिक पे है अंकल जी, कितना दूध दे देती है पिक पे? 14-15 अच्छा, ढाई महीने ब्याही हो रही, 13-14 दे दी थी। अच्छा, 13-14 लीटर दूध अभी भी है, शांत बहुत है अंकल जी। अच्छा जी, अभी जो ये बछड़ी है नीचे, ये कौन से बुल की है? बद्रीनाथ की, गोलू वाले बुल की, बद्रीनाथ। अच्छा जी, और अभी हम अंकल जी के पास आए हुए हैं जो इससे पहले वाले ब्यांत का बछड़ा है उसको लेने के लिए गौशाला में दिया अंकल जी ने, महाराज जियों को, देव कृष्ण जी महाराज जी हैं मायना गांव के पास, गौ सेवा धाम के नाम से इनकी गौशाला है, वहाँ पे ब्रीडिंग के लिए। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। बछड़ा कैसा लगे आपको? बहुत सुंदर बछड़ा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी का कि गौ माता की सेवा में, वहाँ पर भी, यहाँ भी सेवा में और आगे भी सेवा में ये लगेगा, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं हम इसे ब्रीडिंग के लिए। हाँ, ब्रीडिंग के लिए अच्छी गौ माता, अच्छा नस्ल संवर्धन का कार्य हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि समाज में जागरूकता आए गौ माता के प्रति, और वास्तविक सेवा यही है कि गौ माता की ब्रीडिंग, अच्छा नस्ल पैदा हो ताकि उसका सम्मान हो समाज में, क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि गौ माता लात मारती है, 2-4 महीने दूध देती है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सेवा करें तो गौ माता जैसा धन तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा बछड़ा है महाराज जी। आगे अंकल जी, आपने गौशाला में दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, इस बार नू हना को यहाँ पिटते खाम खाम के फायदा था, गौशाला में दे दें, गौशाला में आपने हंदे तो हम दाखला कर छोड़ दाएं। हाँ बिल्कुल, छोड़ना आपने सेवा के लिए ही था। सेवा के लिए। ये देखिए भी बहुत अच्छा बछड़ा है, कितने साल का हो गया अंकल जी? जो हो गया 1-2 महीने का हो गया भाई। और इसके फादर लाइन से? फादर लाइन गए बन लाए थे गाने। अच्छा जी। हाँ, जमा पंचायती बुल तोड़ी किया। अच्छा, पंचायती बुल से है। हाँ। कौन से गांव से लेके आए थे? निंदाणा। निंदाणा।
ये देखिए भाई, बहुत ही अच्छा बछड़ा है, बहुत अच्छा अंप है, और तकरीबन एक साल का है ये। टेस्टिकल भी बहुत अच्छा है, एक बार खोल अंकल जी। अंप का साइज भी बहुत अच्छा है, भी ये बच्चा है थोड़ा सा, इसलिए छोटा अंप लग रहा है। ये देखिए भाई, बहुत अच्छा बछड़ा है। ये गौ सेवा धाम में जाएगा भाई नस्ल संवर्धन के कार्य के लिए, नस्ल संवर्धन के कार्य में सेवा देगा बछड़ा। बहुत अच्छा बछड़ा है अंकल जियों का, बहुत बार बार धन्यवाद जो इन्होंने इतना अच्छा बछड़ा तैयार करके सेवा के लिए दिया है। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना अच्छा गौ माता के प्रति काम कर रहे हो, नस्ल संवर्धन पे काम कर रहे हो। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी भाई चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज की विजिट है भाई सुनारिया गांव के अंदर। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर जो जोड़ के ऊपर है, वहां से लेकर आ रहे हैं आप सभी भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छे नंदी की वीडियो। ये देखिए शुद्ध हरियाणा नस्ल का ये नंदी है, इसका हम्प का साइज़ देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हम्प है। फेस देखिए इनका, बहुत अच्छा नंदी है, फुल बॉडी वेट का नंदी है। जहां बात करें टेस्टिकल की, टेस्टिकल का साइज़ देखिए, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और अभी मैं आपको पीठ पुठा दिखाने वाला हूं, बहुत ही अच्छे पीठ पुठे का नंदी है, बहुत अच्छा पुठे का साइज है। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और उम्मीद करते हैं इस बुल के प्रोजनी भी बहुत अच्छी आएंगी, और किसी भी भाई के पास अगर इस बुल की प्रोजनी है तो वो हमसे ज़रूर फ़ोन करे कि भाई मेरे पास इस बुल की फीमेल काफ है या मेल काफ है, जो भी है एक बार हमें ज़रूर बताए। बहुत अच्छा बुल है और बहुत ही शांत बुल है, मैं इसके लिए नया हूँ। ये देखिए फिर भी ये बुल को यूँ नहीं है कि भाई ये कोई नया बंदा है, बिल्कुल शांत, बहुत ही शांत नंदी। ये सुनारिया गांव की पंचायत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो ऐसा नंदी, इन्होंने इतना अच्छा नंदी तैयार कर रखा है। और तैयार करने के साथ साथ नंदी के लिए और गाय के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, टीन सेड की, बहुत अच्छा टीन का सेड लगवा रखा है भाई वहाँ पे, ये रहता है। देखिए चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है नंदी महाराज। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ताकि सभी दोस्तों को नस्ल की शुद्धता के बारे में पता चल जाए कि ये बहुत 100% शुद्ध नंदी है हरियाणा नस्ल का, ताकि सभी भाई इस बुल का फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर, इसके पास में ही जोड़ पे ही ये नंदी रहता है। सभी गोपालकों से नम्र निवेदन है कि इस बुल से अपनी गायें माता को गाभिन करवाएं और अच्छे रिजल्ट लें। ये 100% हरियाणा नस्ल का शुद्ध नंदी है। सभी गोपालकों ने जोड़ के ऊपर गायें माता छोड़ रखी हैं घूमने के लिए। और गांव में पहले ये इस तरह के बनाए जाते थे ताकि लोग जोड़ के ऊपर अपने कपड़े या नहाने के लिए होते थे, ये इस तरह के। इनका नाम पता नहीं पहले इनको क्या बोलते थे, अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सुनारिया गांव का जोड़ के ऊपर बहुत ही पुराना कुआं है, पजावड़ी ईंटों से बनाया गया है, छोटी ईंटों को पजावड़ी ईंट बोलते हैं। ये जोड़ का नज़ारा देखिए भाई साहब, ये मंदिर है सुनारिया कला गांव के अंदर, बहुत अच्छा मंदिर है भाई, बहुत अच्छा मंदिर है। सभी भाई बताएं वीडियो कैसी लगी, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें।
सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुल के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं बुल कैसा लगे आपको, और किसी भाई के पास इसकी कोई प्रोजनी है तो वो भी हमें फ़ोन कॉल से ज़रूर बताएं। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। आज की विजिट थी भाई गांव गंगानगर खरकड़ा गांव के पास में। बहुत ही अच्छी गौ माता है अंकल जी के पास, और हम अंकल जी के पास आए हुए हैं बुल को लेने के लिए। बहुत अच्छी गौ माता है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। अंकल जी एक बार आपका नाम और गांव का। अच्छा जी, दलसेर नाम। हाँ जी। गांव गंगानगर। गांव नियर खरकड़ा गांव मैम। अच्छा अच्छा, गौ माता कौन से इलेक्टेशन में अंकल जी? तीसरी बार। अच्छा जी, तीसरी बार ब्याहेगी, अभी सेकंड टाइमर ब्याही हुई है ना? तीसरी बार ब्याही है। अच्छा, तीसरी बार ब्याही है। और कितने पिक पे है अंकल जी, कितना दूध दे देती है पिक पे? दूध यार 14-15। अच्छा, दाई भी नहीं ब्याही होली, 13-14 दे दी थी। अच्छा, 13-14 लीटर दूध अभी भी है। शांत बहुत है अंकल जी। अच्छा जी, अभी जो ये बछड़ी है नीचे, ये कौन से बुल की है? बद्रीनाथ की, गोलू वाले बुल की, बद्रीनाथ। अच्छा जी, और अभी हम अंकल जी के पास आए हुए हैं जो इससे पहले वाले ब्यांत का बछड़ा है उसको लेने के लिए गौशाला में दिया अंकल जी ने। महाराज जियों को, देव कृष्ण जी महाराज जी हैं, मायना गांव के पास गौ सेवा धाम के नाम से इनकी गौशाला है, वहाँ पे ब्रीडिंग के लिए। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। बछड़ा कैसा लगे आपको? बहुत सुंदर बछड़ा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी का कि गौ माता की सेवा में, वहाँ पर भी, यहाँ भी सेवा में और आगे भी सेवा में ये लगेगा, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं हम इसे ब्रीडिंग के लिए। हाँ, ब्रीडिंग के लिए अच्छी गौ माता, अच्छा नस्ल संवर्धन का कार्य हो जाएगा। बिल्कुल, ताकि समाज में जागरूकता आए गौ माता के प्रति। और वास्तविक सेवा यही है कि गौ माता की ब्रीडिंग, अच्छा नस्ल पैदा हो ताकि उसका सम्मान हो समाज में, क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि गौ माता लात मारती है, 2-4 महीने दूध देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सेवा करें तो गौ माता जैसा धन तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा बछड़ा है महाराज जी। आगे अंकल जी, आपने गौशाला में दिया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूंगा, पिटे खाम खाम के फायदा था गौशाला में, गौशाला में आपने हिंदे तो हम दाखला कर छोड़ना ही। हाँ बिल्कुल, छोड़ना आपने सेवा के लिए ही था। सेवा के लिए। ये देखिए भी बहुत अच्छा बछड़ा है। कितने साल का हो गया अंकल जी? जो हो गया 1-2 साल महीने का हो गया भाई। और इसके फादर लाइन से? फादर लाइन हम गए बन लाए थे गाने। अच्छा जी। हाँ, जमा पंचायती बुल तोड़ी दिया। अच्छा, पंचायती बुल से है। कौन से गांव से लेके आए थे? निंदाणा। ये देखिए भाई, बहुत ही अच्छा बछड़ा है, बहुत अच्छा अंप है, और तकरीबन 1 साल का है ये। टेस्टिकल भी बहुत अच्छा है, एक बार खोल अंकल जी। अंप का साइज भी बहुत अच्छा है, भी ये बच्चा है थोड़ा सा, इसलिए छोटा अंप लग रहा है। ये देखिए भाई, बहुत अच्छा बछड़ा है। ये गौ सेवा धाम में जाएगा भाई नस्ल संवर्धन के कार्य के लिए। नस्ल संवर्धन के कार्य में सेवा देगा बछड़ा। बहुत अच्छा बछड़ा है। अंकल जियों का बहुत बार बार धन्यवाद जो इन्होंने इतना अच्छा बछड़ा तैयार करके सेवा के लिए दिया है। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना अच्छा गौ माता के प्रति काम कर रहे हो, नस्ल संवर्धन पे काम कर रहे हो। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी भाई चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज की विजिट है भाई सुनारिया गांव के अंदर। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर जो जोड़ के ऊपर है, वहां से लेकर आ रहे हैं आप सभी भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छे
नंदी की वीडियो, ये देखिए शुद्ध हरियाणा नस्ल का ये नंदी है। इसका हम्प का साइज़ देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हम्प है। फेस देखिए इनका, बहुत अच्छा नंदी है, फुल बॉडी वेट का नंदी है। जहाँ बात करें टेस्टिकल की, टेस्टिकल का साइज़ देखिए, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और अभी मैं आपको पीठ पुठा दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे पीठ पुठे का नंदी है, बहुत अच्छा पुठे का साइज है। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और उम्मीद करते हैं इस बुल के प्रोजनी भी बहुत अच्छी आएंगी। और किसी भी भाई के पास अगर इस बुल की प्रोजनी है तो वो हमसे ज़रूर फ़ोन करे कि भाई मेरे पास इस बुल की फीमेल काफ है या मेल काफ है, जो भी है एक बार हमें ज़रूर बताए। बहुत अच्छा बुल है और बहुत ही शांत बुल है। मैं इसके लिए नया हूँ, ये देखिए, फिर भी ये बुल को यूँ नहीं है कि भाई ये कोई नया बंदा है। बिल्कुल शांत, बहुत ही शांत नंदी। ये सुनारिया गांव की पंचायत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो ऐसा नंदी, इन्होंने इतना अच्छा नंदी तैयार कर रखा है। और तैयार करने के साथ साथ नंदी के लिए और गाय के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, टीन सेड की, बहुत अच्छा टीन का सेड लगवा रखा है भाई वहाँ पे, ये रहता है। देखिए चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है नंदी महाराज। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ताकि सभी दोस्तों को नस्ल की शुद्धता के बारे में पता चल जाए कि ये बहुत 100% शुद्ध नंदी है हरियाणा नस्ल का, ताकि सभी भाई इस बुल का फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर, इसके पास में ही जोड़ पे ही ये नंदी रहता है। सभी गोपालकों से नम्र निवेदन है कि इस बुल से अपनी गायें माता को गया बिन करवाएं और अच्छे रिजल्ट लें। ये 100% हरियाणा नस्ल का शुद्ध नंदी है। सभी गोपालकों ने जोड़ के ऊपर गायें माता छोड़ रखी हैं घूमने के लिए। और गांव में पहले ये इस तरह के बनाए जाते थे ताकि लोग जोड़ के ऊपर अपने कपड़े या नहाने के लिए होते थे ये इस तरह के। इनका नाम पता नहीं पहले इनको क्या बोलते थे, अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सुनारिया गांव का जोड़ के ऊपर बहुत ही पुराना कुआ है, पजावड़ी ईंटों से बनाया गया है, छोटी ईंटों को पजावड़ी ईंट बोलते हैं। ये जोड़ का नज़ारा देखिए भाई साहब, ये मंदिर है सुनारिया कला गांव के अंदर, बहुत अच्छा मंदिर है भाई, बहुत अच्छा मंदिर है। सभी भाई बताएं वीडियो कैसी लगी। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुल के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं बुल कैसा लगे आपको, और किसी भाई के पास इसकी कोई प्रोजनी है तो वो भी हमें फ़ोन कॉल से ज़रूर बताएं। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। आज की विजिट थी भाई गांव गंगानगर खरकड़ा गांव के पास में, बहुत ही अच्छी गौ माता है अंकल जी के पास, और हम अंकल जी के पास आए हुए हैं बुल को लेने के लिए। बहुत अच्छी गौ माता है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। अंकल जी एक बार आपका नाम और गांव का। अच्छा जी, दलसेर नाम। हाँ जी। गांव गंगानगर। गांव गंगानगर नियर खरकड़ा गांव। मैम। हाँ। अच्छा अच्छा, गौ माता कौन से इलेक्टेशन में अंकल जी? तीसरी बार। अच्छा जी, तीसरी बार ब्याहेगी, अभी सेकंड टाइम और ब्याही हुई है ना? तीसरी बार ब्याही है। अच्छा, तीसरी बार ब्याही है। और कितने पिक पे है अंकल जी, कितना दूध दे देती है पिक पे? 14-15 अच्छा, दाई भी नहीं ब्याही होली, 13-14 दे दी थी। अच्छा, 13-14 लीटर दूध अभी भी है, शांत बहुत है अंकल जी। हाँ, अच्छा जी, अभी जो
ये बछड़ी है नीचे। बछड़ी। ये कौन से बुल की है? बद्रीनाथ की, गोलू वाले बुल की, बद्रीनाथ। अच्छा जी। और अभी हम अंकल जी के पास आए हुए हैं, जो इससे पहले वाले ब्यांत का बछड़ा है उसको लेने के लिए गौशाला में दिया अंकल जी ने। महाराज जियों को, देव कृष्ण जी महाराज जी हैं, मायना गांव के पास गौ सेवा धाम के नाम से इनकी गौशाला है, वहां पे ब्रीडिंग के लिए। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। बछड़ा कैसा लगे आपको? बहुत सुंदर बछड़ा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी का कि गौ माता की सेवा में, वहां पर भी, यहां भी सेवा में और आगे भी सेवा में ये लगेगा, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं हम इसे ब्रीडिंग के लिए। हाँ, ब्रीडिंग के लिए अच्छी गौ माता, अच्छा नस्ल संवर्धन का कार्य हो जाएगा। बिल्कुल, ताकि समाज में जागरूकता आए गौ माता के प्रति। और वास्तविक सेवा यही है कि गौ माता की ब्रीडिंग, अच्छा नस्ल पैदा हो ताकि उसका सम्मान हो समाज में। क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि गौ माता लात मारती है, दो चार महीने दूध देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सेवा करें तो गौ माता जैसा धन तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा बछड़ा है महाराज जी। आगे अंकल जी, आपने गौशाला में दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँ, इस बार नू हना को पिटते खाम खाम के फायदा था गौशाला में देने, गौशाला में आपने हंदे तो हम दाखला कर छोड़ना ही। हाँ बिल्कुल, छोड़ना आपने सेवा के लिए ही था। सेवा के लिए। ये देखिए भी बहुत अच्छा बछड़ा है। कितने साल का हो गया अंकल जी? जो हो गया एक साल दो महीने का हो गया भाई। और इसके फादर लाइन से? फादर लाइन गैप बन लाए थे गाने। अच्छा जी। हाँ, जमा पंचायती बुल तोड़ी दिया। अच्छा, पंचायती बुल से है। हाँ। कौन से गांव से लेके आए थे? निंदाणा से। निंदाणा। ये देखिए भाई, बहुत ही अच्छा बछड़ा है, बहुत अच्छा अंप है, और तकरीबन एक साल का है ये। हाँ, टेस्टिकल भी बहुत अच्छा है। एक बार खोलना अंकल जी, अंप का साइज भी बहुत अच्छा है, भी ये बच्चा है थोड़ा सा, इसलिए छोटा अंप लग रहा है। ये देखिए भाई, बहुत अच्छा बछड़ा है। ये गौ सेवा धाम में जाएगा भाई, नस्ल संवर्धन के कार्य के लिए, नस्ल संवर्धन के कार्य में सेवा देगा बछड़ा। बहुत अच्छा बछड़ा है। अंकल जियों का बहुत बार बार धन्यवाद, जो इन्होंने इतना अच्छा बछड़ा तैयार करके सेवा के लिए दिया है। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना अच्छा गौ माता के प्रति काम कर रहे हो, नस्ल संवर्धन पे काम कर रहे हो। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी भाई चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज की विजिट है भाई सुनारिया गांव के अंदर। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर जो जोड़ के ऊपर है, वहां से लेकर आ रहे हैं आप सभी भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छे नंदी की वीडियो। ये देखिए शुद्ध हरियाणा नस्ल का ये नंदी है। इसका हम्प का साइज़ देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हम्प है। फेस देखिए इनका, बहुत अच्छा नंदी है, फुल बॉडी वेट का नंदी है। जहाँ बात करें टेस्टिकल की, टेस्टिकल का साइज़ देखिए, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और अभी मैं आपको पीठ पुठा दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे पीठ पुठे का नंदी है, बहुत अच्छा पुठे का साइज है। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और उम्मीद करते हैं इस बुल के प्रोजनी भी बहुत अच्छी आएंगी। और किसी भी भाई के पास अगर इस बुल की प्रोजनी है तो वो हमसे ज़रूर फ़ोन करे कि भाई मेरे पास इस बुल की फीमेल काफ है या मेल काफ है, जो भी है एक बार हमें ज़रूर बताए। बहुत अच्छा बुल है और बहुत ही शांत बुल है। मैं इसके लिए नया हूँ, ये देखिए, फिर भी ये बुल को यूँ नहीं है कि भाई ये कोई नया बंदा है, बिल्कुल शांत, बहुत ही शांत नंदी।
ये सुनारिया गांव की पंचायत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो ऐसा नंदी इन्होंने इतना अच्छा नंदी तैयार कर रखा है। और तैयार करने के साथ साथ नंदी के लिए और गाय के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, टीन सेड की बहुत अच्छा टीन का सेड लगवा रखा है भाई वहाँ पे, ये रहता है। देखिए चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है नंदी महाराज। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ताकि सभी दोस्तों को नस्ल की शुद्धता के बारे में पता चल जाए कि ये बहुत 100% शुद्ध नंदी है हरियाणा नस्ल का, ताकि सभी भाई इस बुल का फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर, इसके पास में ही जोड़ पे ही ये नंदी रहता है। सभी गोपालकों से नम्र निवेदन है कि इस बुल से अपनी गायें माता को गाभिन करवाएं और अच्छे रिजल्ट लें। ये 100% हरियाणा नस्ल का शुद्ध नंदी है। सभी गोपालकों ने जोड़ के ऊपर गायें माता छोड़ रखी हैं घूमने के लिए। और गांव में पहले ये इस तरह के बनाए जाते थे ताकि लोग जोड़ के ऊपर अपने कपड़े या नहाने के लिए होते थे, ये इस तरह के। इनका नाम पता नहीं पहले इनको क्या बोलते थे, अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सुनारिया गांव का जोड़ के ऊपर बहुत ही पुराना कुआ है, पजावड़ी ईंटों से बनाया गया है, छोटी ईंटों को पजावड़ी ईंट बोलते हैं। ये जोड़ का नज़ारा देखिए भाई साहब, ये मंदिर है सुनारिया कला गांव के अंदर, बहुत अच्छा मंदिर है भाई, बहुत अच्छा मंदिर है। सभी भाई बताएं वीडियो कैसी लगी, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुल के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं बुल कैसा लगे आपको, और किसी भाई के पास इसकी कोई प्रोजनी है तो वो भी हमें फ़ोन कॉल से ज़रूर बताएं। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। आज की विजिट थी भाई गांव गंगानगर खरकड़ा गांव के पास में, बहुत ही अच्छी गौ माता है अंकल जी के पास, और हम अंकल जी के पास आए हुए हैं बुल को लेने के लिए, बहुत अच्छी गौ माता है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, एक बार आपका नाम और गांव का। अच्छा जी, दलसेर नाम। हाँ जी। गांव गंगानगर। गांव गंगानगर नियर खरकड़ा गांव मैम। हाँ। अच्छा, गौ माता कौन से लैक्टेशन में अंकल जी? तीसरी बार। अच्छा जी, तीसरी बार ब्याएगी, अभी सेकंड टाइमर ब्याई हुई है ना? तीसरी बार ब्यारी है। अच्छा, तीसरी बार ब्यारी है। और कितने पिक पे है अंकल जी, ये कितना दूध दे देती है पिक पे? 14-15 अच्छा, दाई भी नहीं ब्याई होली, 13-14 दे दी थी। अच्छा, 13-14 लीटर दूध अभी भी है, शांत बहुत है अंकल जी। अच्छा जी, अभी जो ये बछड़ी है नीचे, ये कौन से बुल की है? बद्रीनाथ की, गोलू वाले बुल की, बद्रीनाथ। अच्छा जी, और अभी हम अंकल जी के पास आए हुए हैं, जो इससे पहले वाले ब्यांत का बछड़ा है उसको लेने के लिए गौशाला में दिया अंकल जी ने, महाराज जियों को, देव कृष्ण जी महाराज जी हैं मायना गांव के पास, गौ सेवा धाम के नाम से इनकी गौशाला है, वहां पे ब्रीडिंग के लिए। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। बछड़ा कैसा लगे आपको? बहुत सुंदर बछड़ा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी का कि गौ माता की सेवा में, वहां पर भी, यहां भी सेवा में और आगे भी सेवा में ये लगेगा, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं हम इसे ब्रीडिंग के लिए। हाँ, ब्रीडिंग के लिए अच्छी गौ माता, अच्छा नस्ल संवर्धन का कार्य हो जाएगा। बिल्कुल, ताकि समाज में जागरूकता आए गौ माता के प्रति। और वास्तविक सेवा यही है कि गौ माता की ब्रीडिंग, अच्छा नस्ल पैदा हो ताकि उसका सम्मान हो समाज में, क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि गौ माता लात मारती है, 2-4 महीने दूध देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सेवा करें तो गौ माता जैसा धन तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा बछड़ा महाराज जी। आगे अंकल जी, आपने गौशाला में दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, इस बार नुहना को पिटते खाम खाम के फायदा था,
गौशाला में दे दें, गौशाला में आप नहीं हंदे तो हम दाखला के छोड़ दें। हाँ बिल्कुल, छोड़ना आपने सेवा के लिए ही था। सेवा के लिए। ये देखिए अभी बहुत अच्छा बछड़ा है, कितने साल का हो गया अंकल जी? ये जो हो गया एक साल दो महीने का हो गया भाई। और इसके फादर लाइन से? फादर लाइन गैप बन लिया थे गाने। अच्छा जी। हाँ जमा पंचायती बुल थोड़ी दिया। अच्छा पंचायती बुल से है। हाँ। कौन से गांव से लेके आए थे? निंदाणा से। निंदाणा। ये देखिए भाई बहुत ही अच्छा बछड़ा है, बहुत अच्छा अंप है और तकरीबन एक साल का है ये। हाँ, टेस्टिकल भी बहुत अच्छा है, एक बार खोल ना अंकल जी। अंप का साइज भी बहुत अच्छा है, भी ये बच्चा है थोड़ा सा इसलिए छोटा अंप लग रहा है। ये देखिए भाई बहुत अच्छा बछड़ा है। ये गो सेवा धाम में जाएगा भाई नस्ल संवर्धन के कार्य के लिए, नस्ल संवर्धन के कार्य में सेवा देगा बछड़ा। बहुत अच्छा बछड़ा है, अंकल जियों का बहुत बार बार धन्यवाद जो इन्होंने इतना अच्छा बछड़ा तैयार करके सेवा के लिए दिया है। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इतना अच्छा गौ माता के प्रति काम कर रहे हो, नस्ल संवर्धन पे काम कर रहे हो। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी भाई चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज की विजिट है भाई सुनारिया गांव के अंदर। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर जो जोड़ के ऊपर है, वहां से लेकर आ रहे हैं आप सभी भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छे नंदी की वीडियो। ये देखिए शुद्ध हरियाणा नस्ल का ये नंदी है, इसका हम्प का साइज देखिए दोस्तों कितना अच्छा हम्प है। फेस देखिए इनका बहुत अच्छा नंदी है, फुल बॉडी वेट का नंदी है। जहां बात करें टेस्टिकल की, टेस्टिकल का साइज देखिए बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और अभी मैं आपको पीठ पुठा दिखाने वाला हूं, बहुत ही अच्छे पीठ पुठे का नंदी है, बहुत अच्छा पुठे का साइज है। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और उम्मीद करते हैं इस बुल के प्रोजनी भी बहुत अच्छी आएंगी। और किसी भी भाई के पास अगर इस बुल की प्रोजनी है तो वो हमसे ज़रूर फ़ोन करे कि भाई मेरे पास इस बुल की फीमेल काफ है या मेल काफ है, जो भी है एक बार हमें ज़रूर बताए। बहुत अच्छा बुल है और बहुत ही शांत बुल है। मैं इसके लिए नया हूँ, ये देखिए फिर भी ये बुल को यूँ नहीं है कि भाई ये कोई नया बंदा है, बिल्कुल शांत, बहुत ही शांत नंदी। ये सुनारिया गांव की पंचायत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो ऐसा नंदी, इन्होंने इतना अच्छा नंदी तैयार कर रखा है। और तैयार करने के साथ साथ नंदी के लिए और गाय के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है टीन सेड की, बहुत अच्छा टीन का सेड लगवा रखा है भाई वहाँ पे, ये रहता है। देखिए चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है नंदी महाराज। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ताकि सभी दोस्तों को नस्ल की शुद्धता के बारे में पता चल जाए कि ये बहुत 100% शुद्ध नंदी है हरियाणा नस्ल का, ताकि सभी भाई इस बुल का फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर, इसके पास में ही जोड़ पे ही ये नंदी रहता है। सभी गोपालकों से नम्र निवेदन है कि इस बुल से अपनी गायें माता को गया बिन करवाएं और अच्छे रिजल्ट लें। ये 100% हरियाणा नस्ल का शुद्ध नंदी है। सभी गोपालकों ने जोड़ के ऊपर गायें माता छोड़ रखी हैं घूमने के लिए। और गांव में पहले ये इस तरह के बनाए जाते थे ताकि लोग जोड़ के ऊपर अपने कपड़े या नहाने के लिए होते थे ये इस तरह के। इनका नाम पता नहीं पहले इनको क्या बोलते थे,
अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सुनारिया गांव का जोड़ के ऊपर बहुत ही पुराना कुआ है, पजावड़ी ईंटों से बनाया गया है, छोटी ईंटों को पजावड़ी ईंट बोलते हैं। ये जोड़ का नज़ारा देखिए भाई साहब, ये मंदिर है सुनारिया कला गांव के अंदर, बहुत अच्छा मंदिर है भाई, बहुत अच्छा मंदिर है। सभी भाई बताएं वीडियो कैसी लगी, नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुल के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं बुल कैसा लगे आपको, और किसी भाई के पास इसकी कोई प्रोजनी है तो वो भी हमें फ़ोन कॉल से ज़रूर बताएं। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। आज की विजिट थी भाई गांव गंगानगर खरकड़ा गांव के पास में, बहुत ही अच्छी गौ माता है अंकल जी के पास, और हम अंकल जी के पास आए हुए हैं बुल को लेने के लिए, बहुत अच्छी गौ माता है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई। अंकल जी एक बार आपका नाम और गांव का। अच्छा जी, दलसेर नाम। हाँ जी। गांव गंगानगर। गांव गंगानगर नियर खरकड़ा गांव मैम। हाँ। अच्छा, गौ माता कौन से लैक्टेशन में अंकल जी? तीसरी बार। अच्छा जी, तीसरी बार ब्याएगी, अभी सेकंड टाइमर ब्याई हुई है ना? तीसरी बार ब्यारी है। अच्छा, तीसरी बार ब्यारी है। और कितने पिक पे है अंकल जी, कितना दूध दे देती है पिक पे? अच्छा, 13-14 लीटर दूध अभी भी है, शांत बहुत है अंकल जी। अच्छा जी, अभी जो ये बछड़ी है नीचे, ये कौन से बुल की है? बद्रीनाथ की, गोलू वाले बुल की, बद्रीनाथ। अच्छा जी, और अभी हम अंकल जी के पास आए हुए हैं जो इससे पहले वाले ब्यांत का बछड़ा है उसको लेने के लिए गौशाला में दिया अंकल जी ने, महाराज जियों को, देव कृष्ण जी महाराज जी हैं मायना गांव के पास, गौ सेवा धाम के नाम से इनकी गौशाला है, वहां पे ब्रीडिंग के लिए। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी। बछड़ा कैसा लगे आपको? बहुत सुंदर बछड़ा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी का कि गौ माता की सेवा में, वहां पर भी, यहां भी सेवा में और आगे भी सेवा में ये लगेगा, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं हम इसे ब्रीडिंग के लिए। हाँ, ब्रीडिंग के लिए अच्छी गौ माता, अच्छा नस्ल संवर्धन का कार्य हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि समाज में जागरूकता आए गौ माता के प्रति, और वास्तविक सेवा यही है कि गौ माता की ब्रीडिंग, अच्छा नस्ल पैदा हो ताकि उसका सम्मान हो समाज में, क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि गौ माता लात मारती है, 2-4 महीने दूध देती है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सेवा करें तो गौ माता जैसा धन तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा बछड़ा है महाराज जी। आगे अंकल जी, आपने गौशाला में दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँ, इस बार नू है ना पिटे काम काम के फायदा था, गौशाला में दे दें, गौशाला में आपने हंदे तो हम दाग लागे छोड़ना ही। हाँ बिल्कुल, छोड़ना आपने सेवा के लिए ही था। सेवा के लिए। ये देखिए भी बहुत अच्छा बछड़ा है, कितने साल का हो गया अंकल जी ये? जो हो गया 1 साल 2 महीने का हो गया भाई। और इसके फादर लाइन से? फादर लाइन ना ये बन ले थे गाने। अच्छा जी। हाँ, जमा पंचायती बुल तोड़ी दिया। अच्छा, पंचायती बुल से है। हाँ। कौन से गांव से लेके आए थे? निंदाणा से। निंदाणा। ये देखिए भाई, बहुत ही अच्छा बछड़ा है, बहुत अच्छा अंप है, और तकरीबन 1 साल का है ये। हाँ, टेस्टिकल भी बहुत अच्छा है, एक बार खोलना अंकल जी। अंप का साइज भी बहुत अच्छा है, भी ये बच्चा है थोड़ा सा, इसलिए छोटा अंप लग रहा है। ये देखिए भाई, बहुत अच्छा बछड़ा है। ये गौ सेवा धाम में जाएगा भाई नस्ल संवर्धन के कार्य के लिए, नस्ल संवर्धन के कार्य में सेवा देगा बछड़ा, बहुत अच्छा बछड़ा है। अंकल जियों का बहुत बार बार धन्यवाद जो इन्होंने इतना अच्छा बछड़ा तैयार करके सेवा के लिए दिया है। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जो आपने इतना अच्छा गौ माता के प्रति काम कर रहे हो, नस्ल संवर्धन पे काम कर रहे हो। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी भाई चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। आज की विजिट है भाई सुनारिया गांव के अंदर। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर जो जोड़ के ऊपर है, वहां से लेकर आ रहे हैं आप सभी भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छे नंदी की वीडियो। ये देखिए शुद्ध हरियाणा नस्ल का ये नंदी है। इसका हम्प का साइज देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हम्प है। फेस देखिए इनका, बहुत अच्छा नंदी है, फुल बॉडी वेट का नंदी है। जहाँ बात करें टेस्टिकल की, टेस्टिकल का साइज़ देखिए, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और अभी मैं आपको पीठ पुठा दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे पीठ पुठे का नंदी है, बहुत अच्छा पुठे का साइज है। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे टेस्टिकल हैं। और उम्मीद करते हैं इस फूल के प्रोजनी भी बहुत अच्छी आएंगी। और किसी भी भाई के पास अगर इस फूल की प्रोजनी है तो वो हमसे ज़रूर फ़ोन करे कि भाई मेरे पास इस फूल की फीमेल काफ है या मेल काफ है, जो भी है एक बार हमें ज़रूर बताए। बहुत अच्छा बुल है और बहुत ही शांत बुल है। मैं इसके लिए नया हूँ, ये देखिए। फिर भी ये बुल को यूँ नहीं है कि भाई ये कोई नया बंदा है, बिल्कुल शांत, बहुत ही शांत नंदी। ये सुनारिया गांव की पंचायत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो ऐसा नंदी इन्होंने, इतना अच्छा नंदी तैयार कर रखा है। और तैयार करने के साथ साथ नंदी के लिए और गाय के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, टीन सेड की, बहुत अच्छा टीन का सेड लगवा रखा है भाई वहाँ पे, ये रहता है। देखिए चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है नंदी महाराज। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ताकि सभी दोस्तों को नस्ल की शुद्धता के बारे में पता चल जाए कि ये बहुत 100% शुद्ध नंदी है हरियाणा नस्ल का, ताकि सभी भाई इस बुल का फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए सुनारिया गांव का शिव मंदिर, इसके पास में ही जोड़ पे ही ये नंदी रहता है। सभी गोपालकों से नम्र निवेदन है कि इस बुल से अपनी गायें माता को गाभिन करवाएं और अच्छे रिजल्ट लें। ये 100% हरियाणा नस्ल का शुद्ध नंदी है। सभी गोपालकों ने जोड़ के ऊपर गायें माता छोड़ रखी हैं घूमने के लिए। और गांव में पहले ये इस तरह के बनाए जाते थे ताकि लोग जोड़ के ऊपर अपने कपड़े या नहाने के लिए होते थे ये इस तरह के। इनका नाम पता नहीं पहले इनको क्या बोलते थे, अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सुनारिया गांव का जोड़ के ऊपर बहुत ही पुराना कुआं है, पजावड़ी ईंटों से बनाया गया है, छोटी ईंटों को पजावड़ी ईंट बोलते हैं। ये जोड़ का नज़ारा देखिए भाई साहब, ये मंदिर है सुनारिया कला गांव के अंदर, बहुत अच्छा मंदिर है भाई, बहुत अच्छा मंदिर है। सभी भाई बताएं वीडियो कैसी लगी। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वीडियो को ज़्यादा शेयर अवश्य करें। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुल के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं बुल कैसा लगा आपको, और किसी भाई के पास इसकी कोई प्रोजनी है तो वो भी हमें फ़ोन कॉल से ज़रूर बताएं। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। आज की विजिट थी भाई गांव गंगानगर खरकड़ा गांव के पास में। बहुत ही अच्छी गौ माता है अंकल जी के पास, और हम अंकल जी के पास आए हुए हैं बुल को लेने के लिए। बहुत अच्छी गौ माता है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, एक बार आपका नाम और गांव का।
अच्छा जी, दलसेर नाम? हाँ जी। गांव गंगानगर? गांव गंगानगर, नियर खरकड़ा गांव। मैम हाँ। अच्छा, गौ माता कौन से लैक्टेशन में अंकल जी? या तीसरी बार। अच्छा जी, तीसरी बार ब्याएगी? अभी सेकंड टाइमर ब्याई हुई है ना? तीसरी बार ब्यारी है। अच्छा, तीसरी बार ब्यारी है। और कितने पिक पे है अंकल जी, कितना दूध दे देती है पिक पे? 14-15 अच्छा, ढाई भी नहीं ब्याई होली, 13-14 दी थी। अच्छा, 13-14 लीटर दूध अभी भी है, शांत बहुत है अंकल जी। अच्छा जी, अभी जो ये बछड़ी है नीचे, ये कौन से बुल की है? बद्रीनाथ की, गोलू वाले बुल की, बद्रीनाथ। अच्छा जी, और अभी हम अंकल जी के पास आए हुए हैं, जो इससे पहले वाले ब्यांत का बछड़ा है उसको लेने के लिए गौशाला में दिया अंकल जी ने, महाराज जियों को, देव कृष्ण जी महाराज जी हैं, मायना गांव के पास गौ सेवा धाम के नाम से इनकी गौशाला है, वहां पे ब्रीडिंग के लिए। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बछड़ा कैसा लगे आपको? बहुत सुंदर बछड़ा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी का कि गो माता की सेवा में, वहाँ पर भी, यहाँ भी सेवा में और आगे भी सेवा में ये लगेगा, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं हम इसे ब्रीडिंग के लिए। हाँ, ब्रीडिंग के लिए अच्छी गौ माता, अच्छा नस्ल संवर्धन का कार्य हो जाएगा। बिल्कुल, ताकि समाज में जागरूकता आए गौ माता के प्रति। और वास्तविक सेवा यही है कि गौ माता की ब्रीडिंग, अच्छा नस्ल पैदा हो, ताकि उसका सम्मान हो समाज में। क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि गौ माता लात मारती है, हाँ, दो चार महीने दूध देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सेवा करें तो गौ माता जैसा धन तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा बछड़ा है महाराज जी। आगे अंकल जी, आपने गौशाला में दिया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँ, इस बार नू है पिटते खाम खाम के फायदा था, गौशाला में दे दें, गौशाला में आपने हंदे तो हम दाग लागे छोड़ना ही। हाँ बिल्कुल, छोड़ना आपने सेवा के लिए ही था। सेवा के लिए। ये देखिए भी बहुत अच्छा बछड़ा है, कितने साल का हो गया अंकल जी ये? जो हो गया 1-2 महीने का हो गया भाई। और इसके फादर लाइन से? फादर लाइन गैपन ले आए थे गाने। अच्छा जी। हाँ, जमा पंचायती बुल तोड़ी दिया। अच्छा, पंचायती बुल से है। हाँ। कौन से गांव से लेके आए थे? निंदाणा से। निंदाणा। ये देखिए भाई, बहुत ही अच्छा बछड़ा है, बहुत अच्छा अंप है, और तकरीबन 1 साल का है ये। हाँ, टेस्टिकल भी बहुत अच्छा है, एक बार खोलना अंकल जी। अंप का साइज भी बहुत अच्छा है, भी ये बच्चा है थोड़ा सा, इसलिए छोटा अंप लग रहा है। ये देखिए भाई, बहुत अच्छा बछड़ा है। ये गो सेवा धाम में जाएगा भाई, नस्ल संवर्धन के कार्य के लिए, नस्ल संवर्धन के कार्य में सेवा देगा बछड़ा। बहुत अच्छा बछड़ा है अंकल जीयों का, बहुत बार बार धन्यवाद जो इन्होंने इतना अच्छा बछड़ा तैयार करके सेवा के लिए दिया है। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना अच्छा गौ माता के प्रति काम कर रहे हो, नस्ल संवर्धन पे काम कर रहे हो। सभी भाइयों का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी भाई चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।